महाबोधि मंदिर के गुंबद पर लगे स्वर्ण प्लेट की सफाई का काम शुरू। सफाई से लौटेगी मंदिर की गुंबद पर लगे सोने की चमक। बोध गया। वर्ष 2013 में थाईलैंड के राजा भूमिबल अतुल्य तेज के सहयोग से महाबोधि मंदिर के शिखर पर 290 किलो सोने के प्लेट को गुंबद पर लगाया गया था। सोने का प्लेट लगते ही मंदिर की चमक बढ़ गई थी, लेकिन पिछले 5 साल से धूल पड़ने के कारण सोने की चमक फीकी पड़ गई है। महाबोधि मंदिर कमेटी के आदेश पर बोधगया के मेटा बुद्धा ट्रस्ट द्वारा इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। इस संबंध में ट्रस्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर शिवशंकर सिंह ने बताया कि मेरे संस्था द्वारा गोल्डन स्पायर प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक 3 साल में महाबोधि मंदिर के गुंबद पर लगे सोने की साफ सफाई कराई जाती रही है। इससे पहले 2017 में गुंबद पर लगे सोने की साफ सफाई की गई थी। तत्पश्चात 2020 में गुंबद की सफाई होनी थी, परंतु कोविड के चलते इसकी सफाई हो न सकी। अब जाकर इसकी सफाई कराई जा रही है। इसकी साफ सफाई को लेकर थाईलैंड से एक टीम को बोधगया बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि 2017 में गुंबद की कराई गई साफ सफाई को 5 साल गुजर गए। इस 5 वर्षों में गुंबद पर जरे सोने की चमक फीकी पड़ गई है। सोने की गुंबद तथा पताके पर धूल बैठ गई थी है। सोने की गुंबद की साफ सफाई तथा पॉलिश करने को लेकर काम शुरू हो गया है। ये 2013 में था और इसकी जो सफाई का जो कार्य है वो हमेशा 3 साल की अवधि को तय किया गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने इसका सफाई 2017 में किया, ठीक है। उसके बाद 2020 में इसकी होनी थी, लेकिन कोविड के वजह से ये हो नहीं पाया था, क्योंकि बहुत सारे डैमेजेस हुए थे, लोग आ नहीं पा रहे थे। एक्सपर्ट जो आते हैं वहाँ से इसको करने के लिए, वो थाईलैंड से ही आते हैं। लोकल्स हमारे सिर्फ हेल्पर रहते हैं जो कि लेबर का काम करते हैं, लेकिन गोल्ड रेनोवेशन का जो काम है वो थाई एक्सपर्ट ही आते रहते हैं। तो उनका आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हो नहीं पाया था। ये गुड लक है कि हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं इस ईयर में। तो ये दूसरा रेनोवेशन है और 3 साल की अवधि इसलिए तय की गई थी क्योंकि डैमेजेज जो होते हैं उनका जो एस्टिमेशन लिया गया था कि भैया 3 साल में इस तरह से हवा से, पानी से या किसी तरह के डस्टिंग से जो है वो ख़राब हो सकता है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हर 3 साल की इसकी सफाई और डैमेजेस का रिपेयर किया गया। इसका तकरीबन वजन 289 kg है। साफ़ सफाई और इसके फोल्डिंग वर्क जो होता है हमारा, वो सारे जितने भी कर्मी हैं सारे थाईलैंड के, जो भी इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन टीम है, एज पर सिक्योरिटी टीम भी जब रेनोवेशन के टाइम में होता है तो हमारा वो खुद का ही होता है जो सिक्योरिटी टीम से होता है। किस तरह का सफाई होगा, क्या उसमें लेयर भी चढ़ाया जाएगा? ये इसमें जितने भी डैमेजेस हुए होंगे, जितने जैसे गोल्ड में जो घिसते हैं, जो गोल्ड घिसता है, तो उसको पूर्ण रूप से जैसे पहले था, उसको जैसे हमने एस्टेब्लिशमेंट के टाइम में लगाया था उस टाइम जितना लगना होगा गोल्ड, फिर उसको गोल्ड से ही रिपेयर किया जाता है। क्या आपके ट्रस्ट द्वारा ही उसकी सफाई कराई जा रही है? जी। क्या आपको इस तरह का दिया हुआ है BTMC की तरफ? हाँ जी, हमारा ये जो कमिटी है ये हमारी ही है थाईलैंड में, जो गोल्डन स्पायर प्रोजेक्ट जिसका नाम है। तो गोल्डन स्पायर प्रोजेक्ट कमिटी जो है वो ऑथराइज किए हैं मेटा बुद्धा ट्रस्ट को बोधगया में, इंडिया में, हर तरह के कोऑर्डिनेशन के लिए जो गोल्डन स्तूपा से रिलेटेड हो। और इसका अप्रूवल भी हम लोग से मिल चुका है। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम शिव शंकर सिंह है, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर इन मेटा बुद्धा ट्रस्ट।